हेलो किसान भाई, और राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के बाजार भाव। आज 11 जुलाई 2021 को क्या देखने को मिले हैं, और दोस्तों यहां पे प्याज में क्या स्थिति आने वाली है, क्या तेजी मंदी आगे आ सकती है, और क्या चल रहे हैं अभी महाराष्ट्र के, पूरी डिटेल में भाव के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे आगे चल के प्याज में अभी तेजी मंदी का क्या स्थिति रहेगा, ये वो भी इस वीडियो में हम लास्ट में जानने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के भाव क्या चल रहे हैं अभी तक के। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं, उसके लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आगे चल के प्याज की क्या स्थिति या भविष्य क्या रहेंगी, पूरी तरह से वीडियो हम जानने वाले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वही किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के बाजार भाव आज 11 जुलाई 2021 को क्या देखने को मिले, मतलब कल शाम के जितने भी अपडेट आए थे प्याज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें कोल्हापुर मंडी की, जहाँ पे दोस्तों प्याज का भाव न्यूनतम रेट यहाँ पे 500 रुपये, अधिकतम रेट 2100 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पे 1600 रुपये, आवक यहाँ पे 5300 तीन क्विंटल देखने को मिली है। औरंगाबाद मंडी की बात करो, 500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1850 रुपये, मॉडल रेट 1175 रुपये, आवक यहाँ पे 927 क्विंटल देखने को मिली है। खेड़चाकन मंडी की बात करें, 1200 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2000 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1600 रुपये, आवक यहाँ पर 750 क्विंटल देखने को मिले प्याज में। श्रीगोंदा मंडी की बात करूँ, 1500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2000 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1800 रुपये, आवक यहाँ पर 486 क्विंटल देखने को मिले। सोलापुर मंडी की बात करूँ, 100 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2400 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1000 रुपये, आवक यहाँ पर 11425 क्विंटल देखने को मिले। पंडरपुर मंडी की बात करूँ, 100 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2000 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1300 रुपये, आवक यहाँ पर 378 क्विंटल देखने को मिली है। नागपुर मंडी की अगर बात करूँ तो 1500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2000 रुपये, मॉडल रेट पर 1875 रुपये, आवक यहाँ पर 600 क्विंटल देखने को मिली है। भुसावल की बात करूँ, 1500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल यहाँ पर सेम देखने को मिली है, आवक यहाँ पर 7 क्विंटल देखने को मिली है। सांगली फले भाजीपाला मंडी की बात करूँ, 800 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2100 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1450 रुपये, आवक यहाँ पर 3021 क्विंटल देखने को मिली है। पुणे खड़की की बात करूँ, 1000 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2000 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1500 रुपये, आवक यहाँ पर 28 क्विंटल देखने को मिली है। पुणे पिंपरी मंडी की बात करें, 1700 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1800 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1750 रुपये, आवक यहाँ पर 15 क्विंटल देखने को मिली है। पुणे मौसी की अगर बात करें दोस्तों, 500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1500 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1000 रुपये, आवक यहाँ पर 209 क्विंटल देखने को मिली है। वाई मंडी की बात करें दोस्तों, 1000 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1800 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1400 रुपये, आवक यहाँ पर 12 क्विंटल देखने को मिली है। नागपुर मंडी की बात करो, 1500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1800 रुपये, मॉडल रेट यहाँ पर 1775 रुपये, आवक यहाँ पर 600 क्विंटल देखने को मिले, क्वालिटी भंडारा देखने को मिली है। येवला मंडी की बात करें, 400 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1739 रुपये, मॉडल रेट 1575 रुपये, आवक यहाँ पर 10000 क्विंटल देखने को मिली है। लासलगांव मंडी की बात करो, 751 क्विंटल की आवक है, 1985 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1676 रुपये, आवक यहाँ पर 9000 क्विंटल देखने को मिली है। मनमाड़ मंडी की बात करो, 500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 1700 रुपये, मॉडल रेट 1550 रुपये, आवक यहाँ पर 5500 क्विंटल देखने को मिली है। कलवन मंडी की बात करूँ, 400 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2100 रुपये, मॉडल रेट 1650 रुपये, आवक यहाँ पर 9100 क्विंटल देखने को मिली है। वहीं पर दोस्तों बात करें पिपलगांव बसवंत मंडी की, जहाँ पे 500 रुपये न्यूनतम, अधिकतम 2380 रुपये, मॉडल रेट 1725 रुपये, आवक यहाँ पर 9325 क्विंटल देखने को मिले। तो दोस्तों ये थी आज के महाराष्ट्र के सभी बड़ी मंडियों के प्याज के बाजार भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को बता दोस्तों, प्याज में आने वाली तेज़ी के बारे में अगर बात करें 2 महीनों के बाद, तो प्याज में कहीं ना कहीं 3000 से ऊपर जाने की संभावना देखने को मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें बरसात की वजह से प्याज की सड़न ज़्यादा हो गई है, इसके वजह से दोस्तों 2 महीने के बाद यहाँ पर तेज़ी देखने को प्याज में मिलेगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो 2000 से लेकर 3000 के अंदर ही प्याज देखने को मिल रहे हैं, और भाव में देखेंगे अगर उछाल आती है इस हफ्ते में जो नेक्स्ट वीक चलने वाली है, जो कल सोमवार से देखा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। जो भी अगर दोस्तों आप लोग के मन में जो भी सवाल है तो नीचे दिए कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।